यदि भारत को टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर जीतना है तो उसके लिए इंग्लैंड के पिचों के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना जरूरी है। पिचें क्या कहती हैं, वहाँ का मौसम क्या करता है, उसके अनुसार प्लेयरों का चयन बहुत अधिक आवश्यक था। जहाँ पे आप लोग को पता है कि वहाँ की जो पिचें हैं वो फास्ट पिचें हैं, जंपिंग पिचें हैं, तो उसके अनुसार बैट्समैनों को ले जाना अति आवश्यक था। आपके जो फास्ट पिचेस के प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा वहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन अच्छे खासे रन वहाँ बना सकते हैं और इससे इंडिया को जीतने में अहम भूमिका अदा हो सकती है। दूसरा चीज़, फास्ट बॉलर सभी जैसे बॉलर वहाँ पे जंपिंग पिचों का, उछाल पिचों का फुल स्विंग में फ़ायदा लेंगे और वहाँ पे विकेट अच्छी खासी उनको उछाल देगी, स्विंग देगी और इससे इंडिया बॉलिंग लाइन भी बहुत अधिक मजबूत होगा। इसके अलावा यदि सबसे अधिक अगर हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ है तो बैटिंग है। बैटिंग लाइनअप हमेशा से फास्ट पिचेस के अनुसार ही हमें तय करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है हल्की ठंडी है और वहाँ पे लॉन्ग शॉट खेलने में भारतीय प्लेयरों को थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ठंड में ढल पाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय सिलेक्शन कमेटी से ये बहुत बड़ी चूक हो चुकी है कि सूर्य कुमार यादव को इस टीम में जगह नहीं दिया गया है और इसका खामियाजा हार के साथ भारत को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी टीमें अभी तैयार हुई हैं वो स्लोअर पिच पे खेलने वाले प्लेयर हैं और जो स्पीड फास्ट डिलीवरी होती है उस पर 2 से 3 ही प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन टीम द्वारा जाति पाति के आधार पर सिलेक्शन करना इस देश के लिए मुश्किल कर सकता है। आज जो सीरीज हम जीत के आने वाले थे वहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को संदेह में रख दिया गया है। ओपनिंग जोड़ी अच्छी है लेकिन मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं कठिनाई में है। जय हिंद।